के चैनल में। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट काम कैसे करता है। जब आप कंसीव कर लेती हैं, तो आपके ब्लड और यूरिन में HCG की मात्रा बढ़ जाती है। कंसेप्शन के 10 दिन बाद इसका लेवल और बढ़ जाता है। जब आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट किट के माध्यम से आप अपना टेस्ट करती हैं, तो वो डिवाइस सबसे पहले HCG की मात्रा को भी डिटेक्ट करता है, जिससे आपको प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन मिलती है। मेनली दो टाइप के प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। आज के मॉडर्न टाइम में सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, तो इसलिए ज्यादातर लेडीज होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स पर रिलाई करती हैं। ये टेस्ट किट आप किसी भी नजदीकी फार्मेसिस्ट से ओवर द काउंटर ले सकती हैं और इसके लिए किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ब्लड टेस्ट के माध्यम से अगर आप प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए और एक अच्छे पाथ लैब में जाकर अपना टेस्ट करवाना चाहिए। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट आखिरकार काम कैसे करता है। कंसेप्शन के बाद आपकी बॉडी में HCG धीरे धीरे बढ़ता है। मिस्ड पीरियड्स होते ही अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी, तो हो सकता है कि वो नेगेटिव रिजल्ट शो करे। प्रेगनेंसी टेस्ट किट की स्टिक में कुछ स्पेशल केमिकल्स लगे होते हैं, जो कि यूरिन सैंपल पढ़ते ही रिएक्ट करने लगते हैं, अगर यूरिन में HCG के गुड लेवल्स हैं तो। जब तक आपने स्टिक पे यूरिन सैंपल नहीं डाला होता, तब तक उस विंडो पर आपको एक ब्लू लाइन नजर आती है, लेकिन जैसे ही आपने अनडाइल्यूटेड अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल डाला, तो रिजल्ट में आपको या तो एक या फिर दो पिंक लाइंस दिखेगी। अगर आप ब्लड टेस्ट चुनती हैं, तो आप अपना ब्लड सैंपल पाथ लैब में जाकर दे सकती हैं, जो कि आगे फर्दर टेस्टिंग के लिए एक्सपर्ट्स के पास जाता है। पॉजिटिव टेस्ट। अगर आपने सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके प्रॉपरली टेस्ट किया है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट आपको सही रिजल्ट बताएगी। मार्केट में बहुत सारी प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स अवेलेबल होती हैं और हर डिवाइस का अपना टाइम और प्रोसेस मेंशन होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी किट पर दो पिंक लाइंस आती हैं, तो इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म है। नेगेटिव टेस्ट। अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर एक पिंक लाइन आती है, तो इसका मतलब है या तो आपने बहुत अर्ली टेस्ट कर लिया है, या फिर फिलहाल आप प्रेग्नेंट नहीं है। अर्ली प्रेगनेंसी में यूरिन सैंपल में HCG की मात्रा इतनी नहीं होती कि वो टेस्ट किट पर केमिकल के साथ अपना रिएक्शन दिखा पाए। एक्यूरेसी लेवल। आमतौर पर प्रेगनेंसी टेस्ट किट का रिजल्ट लगभग 95% सही होता है। अपने लिए आप हमेशा एक अच्छी ब्रांड का ही होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट चुने। ज्यादातर प्रेगनेंसी टेस्ट किट की स्ट्रिप लगभग 25 mL पर मिलीलीटर ऑफ यूरिन पर ही एक्यूरेट रिजल्ट शो कर देती है। फॉल्स रिजल्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट किट के ज्यादातर फॉल्स रिजल्ट सिर्फ ह्यूमन एरर से ही होते हैं। या तो आपने डिवाइस को सही से हैंडल नहीं किया होता, या फिर यूरिन डाइल्यूटेड होता है। अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर रिलाय ना करें। अगर आपके पीरियड 90 डेज तक मिस्ड है और उसके साथ आपको कुछ और सिम्टम्स भी महसूस होते हैं, तो आप अपनी गायनो से जरूर कंसल्टेशन लें। होम प्रेगनेंसी टेस्ट को रात में कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रात को HCG का लेवल आपके यूरिन में काफी लो होता है। यूरिन सैंपल हमेशा अनडाइल्यूटेड होना चाहिए, यानी सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले यूरिन सैंपल कलेक्ट करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर जरूर करें। साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम हमारी तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।